स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत जन जन में स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता और स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता में महानगर को प्रथम स्थान दिलाने के लिए शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गांधी जी के विचारों की शपथ दिलाते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकलकर छासम चौराहे होते हुए अम्बेडकर चौराहा, शास्त्री चौराहा, गोलघर होते हुए विश्वविद्यालय में समाप्त हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, महापौर सीताराम जायसवाल, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन कुमार सिंह, चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव, जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीडीओ अनुज कुमार, राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उपेंद्र रत्न शुक्ला, जनपद के महाविद्यालय, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विशाल रैली में भाग लेकर संकल्प लिया कि 2019 में गोरखपुर को स्वच्छ में नंबर एक लाना है। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महंत योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्राओं ने कहा, बात होने वाले मैं जो बच्चे अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे जो लाइए आपको जो थे वो तो इस रैली को कंप्लीट कर जाएंगी। इस रैली में पूरी जो ग्रुप बना खड़े हुए एक टीचर जरूर होना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे। मैं अभी यहाँ देख रही हूँ सामने हमारे बच्चे तो ज्यादा ही उत्साहित है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसी कोई गतिविधि ना करें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। साथ मिलकर ये खूबसूरत सी रैली यहाँ निकालने वाले हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे लोकप्रिय नगर विकास मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पर मैं इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर नगर निगम के महापौर सम्माननीय श्री जायसवाल जी, हमारे सम्माननीय विधायक श्री राधा मोहन जी, श्री शीतल पांडे जी, बहन यादव जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी, श्री शुक्ला जी, श्री राहुल श्रीवास्तव जी, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सभी सदस्यगण, हमारे सफाई कर्मी तथा सफाई से जुड़े हुए
सभी कर्मचारीगण, सभी सम्मानित पार्षदगण तथा प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, बहन और भाइयों, प्लीज अब आपस में बात नहीं करिए, प्लीज बात नहीं करेंगे, प्लीज। विदेशों से छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो या यूरोप के किसी देश से, वो लोग जब टॉफी बिस्कुट चॉकलेट खाते हैं तो उसका पन्नी, उसका रैपर, उसका कागज, उसका लिफाफा जेब में रखते हैं और जब डस्टबिन आता है तब डालते हैं। ये बात उन्होंने अपने देश के माहौल से सीखी है, अपने देश के एटमॉस्फेयर से सीखी है। लेकिन आज 70 साल की आजादी के बाद आज तक हम ये माहौल, ये एटमॉस्फेयर, ये वातावरण हम आज तक हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं कर पाए। आज ये रैली सरकारी है, ये सरकारी कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यह है कि ये सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन जन का कार्यक्रम बने, जन सामान्य का कार्यक्रम बने। हम इसलिए आपके बीच क्या है आज हुई है, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने 6 मई 2017 को आलू अड्डा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2 घंटे तक श्रमदान के माध्यम से सफाई का शुभारंभ किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं झाड़ू पकड़ी थी और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम किया था कि हम अगर आवश्यकता पड़े तो झाड़ू भी पकड़ सकते हैं। भैया हिलाइए, मित्रों, हमारा काम झाड़ू पकड़ना नहीं है, मुख्यमंत्री जी का काम झाड़ू पकड़ना नहीं है। लेकिन झाड़ू इसलिए पकड़ी कि लोगों की झिझक दूर हो सके, लोगों की शर्म दूर हो सके। लोग अगर एक दिन सफाई करने नहीं आता है तो अपना घर, अपना दरवाजा, अपने घर के बाहर का हिस्सा और अपनी बैठक को साफ कर सके, इसका पीछे ये मतलब। जो मुख्यमंत्री जी ने जिस परंपरा का शुभारंभ किया था, आज भी हम लखनऊ में उसको कायम रखे हुए हैं। 68 वार्डों में हमने स्वयं दौड़ा करके झाड़ू लगाई, नाली भी साफ की और वहां जिलाधिकारियों ने लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। आज वही संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर की जनता को देना चाहते हैं। गोरखपुर की जनता बहुत संवेदनशील है और जिसके रग रग में भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल फंसा हुआ है। इस क्षेत्र से 9 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व माननीय योगी जी या उनके पूज्य गुरु जी कर चुके हैं। ये अपने आप में ऐसी धरती है जो पूरे देश को और पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए काफी है। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, यूपी भी सम्मानित होगा, यूपी भी सम्मानित होगा, गोरखपुर शुरुआत करेगा, यूपी भी सम्मानित होगा, यूपी भी सम्मानित होगा, यूपी भी सम्मानित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने सफाई कर्मी, पैसा, शौचालय और जितने भी पेयजल की व्यवस्था है गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है, वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। इसलिए जब स्वच्छता का सर्वेक्षण हो तो गोरखपुर प्रथम स्थान पर आना चाहिए। इन शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। स्वच्छता रैली के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित है प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवपेंद्र दत्त शुक्ल जी,
स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अनेक जागरूकता के कार्यक्रमों के हिस्से आप सब बने होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएं मिलकर के स्वच्छता रैली में सहभागी बने, ये संभवतः पहली बार हो रहा है। मैं नगर विकास की इस पहल के लिए सराहना करते हुए आप सब के लिए आह्वान करूंगा कि स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर न केवल हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपितु अपने समाज और अपने राष्ट्र को समर्थ बनाने में भी हम लोग सफल हो सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम जागरूकता का एक कार्यक्रम है और जैसे कि नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने आपको बताया भी कि स्वच्छता एक ऐसी चीज है जिसे हमने अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। सामान्य बात व्यवहार में, सामान्य बोलचाल में, सामान्य कार्यक्रमों में हम किसी भी स्थान पर हो, कहीं भी हो, जहां तहां कूड़ा न फेंके, अगर हम थोड़ी भी इसके प्रति जागरूक हो जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। आज जागरूकता रैली है, जागरूकता रैली में स्वच्छता के बारे में लोगों में व्यापक जागरूकता के इस कार्यक्रम का हिस्सा हम सबको बनना पड़ेगा और उस जागरूकता के कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के हम सब आम जन को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताएं। मुझे लगता है कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा स्वच्छता के महत्व को कौन समझ सकता है। यह क्षेत्र विगत 40 वर्षों से मस्तिष्क ज्वर की चपेट में है और यहां पर प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे मस्तिष्क ज्वर की चपेट में आकर के समय कालकल्पित होते हैं। ये मस्तिष्क ज्वर जो एक विषाणु जनित बीमारी है, इसका मूल कारण गंदगी भी है। हम लोगों ने विगत 1.5 वर्ष में स्वच्छता का जो विशेष कार्यक्रम चलाया, इस वर्ष उसके कुछ अच्छे परिणाम सामने आए हैं और मेरा मानना है कि स्वच्छता का संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करके हम मस्तिष्क ज्वर का पूर्णतः उन्मूलन करने में सक्षम हो सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बना करके अपने दैनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जहां कहीं हमें अवसर मिलता है, आम जन को स्वच्छता के बारे में थोड़ा भी जागरूक कर सके तो हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड, हमारा नगर, हमारा जनपद, हमारा प्रदेश देश के अंदर नंबर एक स्थान पर आ सकता है और हम लोग भी अन्य लोगों के लिए स्वच्छता के मानक में एक उदाहरण बन सकते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होती है कि हम लोग स्वयं अपने स्तर पर कोई बेहतर पहल करने में परहेज करते हैं, सफलता किसी का इंतजार नहीं करती है, सफलता के लिए व्यक्ति को स्वयं राह बनानी पड़ती है और हम सबको आभारी होना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था और स्वच्छ भारत मिशन के इस शुभारंभ के साथ ही उन्होंने इस देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के महत्व के बारे में अवगत कराया था। मुझे लगता है स्वच्छता हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए और आज उसी का परिणाम है कि स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर एक आंदोलन बना है। दुनिया के तमाम देश स्वच्छ भारत मिशन के
अभियान से प्रभावित होकर के भारत से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। देश के अंदर जो इस संबंध में प्रतिस्पर्धाएं प्रारंभ हुई है, उत्तर प्रदेश के नगर, उत्तर प्रदेश के जनपद, उत्तर प्रदेश के वार्ड अधिक से अधिक संख्या में स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना स्थान बना सके, इस दृष्टि से हम सबको एक बेहतर पहल करने की आवश्यकता है। गोरखपुर में नगर निगम और गोरखपुर के अन्य नगर निकायों में विकास के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की। खासतौर पर अगर आप गोरखपुर नगर निगम को देखें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृत हुए। आदर्श नगर योजना में 70 लाख, काना उपवन यानी जिसमें निराश्रित गोवंश के लिए शेल्टर होम बनाना था, इसके लिए 9,96,71,000 रुपए स्वीकृत हुए। अंतेश के अस्पताल के लिए 5 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में 1,06,00,000, सीवरेज के लिए 72,27,36,000, जल निकासी के लिए 16,05,00,000, पेयजल योजना के लिए 50,56,00,000 और सुंदरीकरण की योजनाओं के लिए 1,21,00,000। नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित और स्वलीन बस्ती विकास योजना में 8,24,00,000 रुपए का स्वच्छ भारत मिशन नगरीय में कुल गोरखपुर के लिए 13 करोड़ रुपए अब तक अवमुक्त किए गए हैं। यह एक राशि है जिसके माध्यम से आम जन को न केवल हम शासन की और बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित कर रहे हैं, अन्य जो सुविधाएं मिली हैं उन सुविधाओं का भरपूर उपयोग करते हुए हम अपने नगर, अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरा, आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर जहाँ स्वच्छता रैली के साथ महानगर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से एक व्यापक जागरूकता रैली स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए प्रारंभ की जा रही है, वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी आज से 15 दिसंबर तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 150 कार्यकर्ताओं के द्वारा 6 अलग अलग टोली बनाकर अलग अलग रूट पर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता के एक कार्यक्रम को भी अपने हाथ में ली है। कोई कारण नहीं कि हमारी यह जागरूकता हमारे नगर को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद करेगी, और आपकी ये पहल न केवल आपके नगर तक अभी तो पूरे प्रदेश को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रख करके मदद कर सकती है। और इस अभियान में आप सबको हिस्सेदारी बनाने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए आज विशेष रूप से मैं और हमारे नगर विकास मंत्री आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार पुनः इस स्वच्छता रैली के शुभारंभ के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 403 विधानसभाओं में जो पद यात्रा प्रारंभ हो रही है, इस पद यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर भी आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग इन दोनों जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके के बीच में बिना भेदभाव पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर, आप जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं थोड़ा लाइन ठीक कर लें, आप अपनी अपनी लाइन सही विद्यालय ठीक कर लें।
करने के लिए यहाँ पर खड़े हो जाए, मेरे साथ दोहराएंगे। जो भी लोग यहाँ पर हैं, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी, विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य सौ व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए सौ घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री महोदय से।
शुक्ला। किस तरह की रैली निकाली, क्या ये स्वच्छ भारत अभियान की रैली है? क्या संदेश जाएगा इससे? इससे ये संदेश जाता है कि हमें अपने इंडिया को साफ रखना चाहिए। सर मेरा नाम साक्षी द्विवेदी है। सर ये स्वच्छता अभियान की रैली निकल रही है और इसमें हम लोग मतलब पूरे शहर को जागरूक करना चाहते हैं कि क्या अपनी अपनी गंदगी, अगर एक एक लोग ये समझेंगे कि हाँ ये गंदगी हमारी है, हम इसे साफ करें, तो ये तभी यह भारत, तभी यह स्वच्छता अभियान ये सही हो पाएगा। वरना ये किसी के एक के कहने से या हम आप कह सकें कि ये स्वच्छ पूरा शहर स्वच्छ हो, तो ये कहने से नहीं होगा, ये सबको मिलकर करना पड़ेगा।